भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मेरी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी इस वीडियो में आप सबको मानदेय की सूचना देने वाले हैं, उससे पहले एक बहुत ही जरूरी सा एक प्रारूप आपको दिखा रहे हैं। ये आज 22 सितंबर स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का है। इसी प्रारूप पर सूचना आप सब बहनों को अपने अपने वहां आज भर लेनी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रारूप और फिर देखते हैं मानदेय की जानकारी। लिखा है पोषण मास सितंबर 2022 के अंतर्गत आयोजित स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा योजना गतिविधि का प्रारूप दिनांक 22 सितंबर 2022। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए यह प्रारूप है, तो आंगनबाड़ी बहनों इसको आप सब ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। लिखा है यहां पर केंद्र का नाम, यहां पर विकास खंड का नाम और यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम। साथ ही साथ कालम बने हैं, पहला तो क्रम संख्या का। हर प्रारूप में क्रम संख्या का कालम होता है, यानी कि नंबर जिसमें डाले जाते हैं। अब बच्चे के नाम का कालम है, तो जो बच्चे होंगे उनके नाम का कालम एक बना लेना है और उन्हीं के माता पिता के नाम का भी उन्हीं के सामने कालम बना लेना है। और फिर उसके बाद में एक जन्म तिथि का भी कालम आपको बनाना होगा। और उसके बाद में अगला कालम बनेगा मासिक वृद्धि निगरानी का, जिसमें 5 अंक आपको ऐसे लिख भी लेने हैं ब्रैकेट में, कितने 5 अंक, और इस तरह से के कालम हो जाएगा मासिक वृद्धि निगरानी वाले मैटरों को लेकर। फिर अगला कालम बनेगा स्वच्छता, साफ हाथ और नाखून काटना, इसके लिए भी 5 अंक होते हैं और इसका भी एक कालम बनेगा। कैसा बनेगा? स्वच्छता, साफ हाथ, नाखून। क्या लिखा जाएगा? स्वच्छता, साफ हाथ, नाखून काटना और इस तरह से। तो स्वच्छता, साफ हाथ, नाखून काटना, ये यहां पर लिख लेना। तो कुल मिलाकर के 2 चीजें हैं, साफ हाथ और कामा नाखून काटना, ये स्वच्छता को लेकर के, इसके लिए भी 5 अंक होते हैं। अब अगला है पोषण श्रेणी की जो है, यानी पोषण श्रेणी में वजन। तो पोषण श्रेणी में वजन का एक कॉलम आया है, 10 अंक इसके लिए होते हैं। और इसके बाद में फिर है आहार की स्थिति, इसके लिए भी होते हैं कितने, 10 अंक। और फिर है आपका टीकाकरण, इसके लिए भी होते हैं 10 अंक। और यहां पर है फिर डीवर्मिंग, इसके लिए होते हैं 10 अंक। तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 5, 5 वाले 2, 50। 50 अंक का टोटल आपका यहां पर बनेगा योग। और यहां पर एक योग का कॉलम है, जिस भी बच्चे का जैसा भी यहां पर जो है स्थिति होगा वैसा ही आप उसको अंक देंगी और वैसे ही उसकी श्रेणी का निर्धारण होगा और फिर उसे पुरस्कृत किया जाएगा। इन सब के बारे में मैंने कल सुबह आप लोगों से चर्चा ऑल इंडिया पर कर ली है, उसका मैंने थंबनेल भी आज चेंज कर दिया है ताकि आप सब आसानी से उसको देख पाए। तो ऑल इंडिया पर जाओ, स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता वाला वीडियो मिल जाएगा, उसमें लिखा होगा आज 22 सितंबर को आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया जाएगा स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम। तो आप उसको ओपन कर लेना और उसमें आपको विस्तार से जानकारी आज के इस कार्यक्रम की मिल जाएगी। अब बहनों चलते हैं आगे और आपको बताती हैं, ये इसको भेजा था हसमुन बहन है जो कि बहराइच से आती हैं, बहन को धन्यवाद। अब हम बात करते हैं मानदेय की। ये वीडियो आपके मानदेय के लिए ही है स्पेशल, तो आप यहां पर देख सकती हैं सलमा भी बहन है जो कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से आती हैं। और बहन ने कहा है कि शाजापुर जिले में सभी परियोजना में 9,000 रुपया मानदेय पूरा डल गया है। तो 9,000 रुपया मानदेय मध्य प्रदेश में जो भी आता है वो पूरा उनके वहां पर डल गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। 9,000 ये रह गए थे ना, 45-45 नहीं आ रहे थे 2-2 महीने से केंद्र वाले, तो वही पैसे हैं 9,000। बाकी मध्य प्रदेश में मिलता है आपका कितना जो है वहां पर 4500 केंद्र वाले मिलते हैं और प्लस रुपया मिलता है 5500 आप लोगों के राज्य वाले, तो ये यहां पर ध्यान देना। तो इस तरह से उनका 10,000 टोटल होता है। अब यहां पर देख सकते हो और आगे चलते हैं, आगे यहां पर लिखा है आप लोगों के लिए कि केंद्र का जुलाई अगस्त का केंद्र का रुका हुआ ये पैसा था, अब शाजापुर जिले में पूरा मानदेय क्लियर हो गया है। तो यानी शाजापुर मध्य प्रदेश में पूरा मानदेय आ गया है, केंद्र सरकार के जो 2 महीने के बकाया चल रहे थे वो पैसे भी उनके वहां पर 21 सितंबर को कल ही आ गए हैं। और कल आपने देखा यूपी में भी आंगनबाड़ी बहनों के खातों में जो पैसा 1500 लगा था वो
भी कल सक्सेस हो गया, अभी उसमें भी थोड़े बहुत मैसेज हमने जो है आज के वीडियो में भी लगाए हैं, उनको देख लेना कौन से जिले में कितना कितना बहनों ने मैसेज किया। और बाकी कल शाम के वीडियो में हमने ज्यादातर मैसेज दिखा दिए थे हर एक जिले की स्थितियों के बारे में। अब देखो जुलाई अगस्त का केंद्र का रुका हुआ 4500+4500 यानी 9000 रुपया आ गया है और ये आप यहां पर देख भी सकते हो। तो ये कुछ मैसेज हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं। अभी हम यूपी के भी मानदेय के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी जानकारी है, आप उनको भी एक बार देख लो। मीना बहन है, हापुड़ से आती है, उन्होंने एक फोटो भेजी और एक मैसेज फॉरवर्ड करके भेजा जिसमें लिखा है कि स्वयं सहायता समूह मीनाक्षी और मीनाक्षी का पति संजू, कांता, ग्राम प्रधान अनीता और लाभार्थियों के द्वारा किया गया बहुत अधिक झगड़ा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मीना लोधी हुई बेहोश, हालत गंभीर, स्वयं सहायता समूह और ग्राम प्रधान अनीता केंद्र पर से जबरदस्ती राशन उठा करके ले जा रहे थे और दूसरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीना देवी के साथ कर रहे थे अब शब्दों का प्रयोग, आंगनबाड़ी मीना लोधी ग्राम कनौर, इस तरीके से मीना लोधी के द्वारा ही ये एक आर्टिकल साझा किया गया है। और यहां पर आप देख सकते हो ये विशाखा के जो है द्वारा ग्राम जो है यहां पर नानपुर जिला हापुड़ ऐसे करके उन्होंने शायद कुछ लिखा है। तो फिलहाल के लिए चलते हैं आगे और आपको एक तस्वीर उन्हीं के वहां से दिखाते हैं जो कि आंगनबाड़ी बहन बेहोस टाइप का हो गई और इनको काफी दिक्कतें हो गई। आगे चलते हैं और बताते हैं बीनू बहन है जो अमेठी से आती है, इनका कहना है कि कल दोपहर में हमारे यहाँ की एक आंगनबाड़ी बहन है अनारकली और उनके जो पति है उनका जो है निधन कल हो गया है तो बड़े दुख की बात है। तो ये अमेठी जिले से है, संग्रामपुर ब्लॉक से आते हैं। तो उनके आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। साथ ही साथ चलते हैं आगे और आपको और भी एक जानकारी साथ ही में दे देते हैं और फिर यूपी के मानदेय पर आते हैं। ये देखिएगा तरुण बहन है गुजरात से और इनके द्वारा यहां पर जगदीश जी का जिग्नेश जी जो है उनका एक आर्टिकल जो है फेसबुक का उन्होंने साझा किया है। आप देख सकते हो ये जिग्नेश मेवाड़ी जो है उन्होंने ये क्या लिखा है, मैंने इसका देखो यहां पर गुजराती थी तो हमने उसका जो है ट्रांसलेशन किया है हिंदी में। तो इसमें लिखा है स्वास्थ्य, मध्याह्न भोजन, एसटी बस कर्मचारी, शिक्षक, आशा, आंगनबाड़ी और जीआईएसएफ, वन रक्षक, पूर्व सैनिक सहित पुलिस कर्मी और पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे लाखों कर्मचारी के समर्थन में गुजरात विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, कांग्रेस विधायक सरकार की आंखें यहां पर लिखा गया फाड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए ये क्या है, ये तो वो हो जाता है ट्रांसलेशन में, इसका कुछ ना अर्थ का निरर्थ जो है बना देता है गूगल, तो ये यहां पर एक कमी है। आगे दिखाते हैं आपको जगनेश जो है यहां पर मेवानी जी हैं और उनके स्तर से ये देखो एक और ये पोस्ट आई है, आइए देखते हैं। इनकी पोस्ट में भी गुजराती लिखी है और नीचे देखो यहां पर एक बैठक की मीटिंग की फोटो भी है और यहां पर भी आप धरने की कुछ फोटो देखी थी, अब ये वाला मैटर देख लीजिएगा। तो यहां पर जिग्नेश मेवानी जी का एक ये यहां पर आर्टिकल, इसमें लिखा है कि आज पूरे गुजरात की आंगनबाड़ी बहनों को स्थायी करने की मांग को लेकर के गुजरात के गांधीनगर के सत्याग्रह शिविर में पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तब महिला बाल विकास मंत्री मनीषा बेन ने वकील से मुलाकात की और पेश किया है कि आंगनबाड़ी बहनों को स्थायी किया जाए। आज पूरे गुजरात की आंगनबाड़ी बहनों को स्थायी करने की मांग को लेकर के गांधीनगर के सत्याग्रह शिविर में पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। तब महिला एवं बाल विकास मंत्री मनीषा बेन ने वकील से मुलाकात की और पेश किया है कि आंगनबाड़ी बहनों को बनाया जाए परमानेंट। तो इस तरह से यहां पर मांगे उठ रही हैं और ये मीटिंग की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए यहां पर यही समय है बढ़िया, हर राज्यों से आंगनबाड़ी बहने अपने अपने हक की लड़ाई को लड़े क्योंकि केंद्र सरकार से सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा ही गया है। अब आगे अगर बहने अपनी ताकत भी इसी टाइम पर थोड़ा बहुत दिखा देंगी तो शायद सरकार को वोट बैंक का आभास भी होगा और जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन वो आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में जरूर देंगे। वहीं पर आपको बताते हैं सीमा श्रीवास्तव बहन यानी अमित बख्शी भाई के द्वारा भेजा गया एक आर्टिकल, इसमें उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार के पास में असीमित शक्ति होती है और जब चाहे तब मानदेय बढ़ा सकती है। यशोदा मां को एक और जुमला बीजेपी दे रही है, जब जब यह मानदेय वृद्धि का जुमला देते हैं तब तब काम का बोझ बढ़ा देते हैं। करीब 10 साल केंद्र में भाजपा सरकार का होने वाला है और 6 साल बीजेपी का उत्तर प्रदेश में शासन होने वाला है, लेकिन कई राज्यों में मानदेय वृद्धि हो गई है लेकिन उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक मानदेय अभी तक नहीं बढ़ा है, सिर्फ नए नए पद नाम देकर के बहनों को खुश किया जा रहा है। जब जब चुनाव आता है तब तब जुमला फेंक दिया जाता है और उसी के सहारे वोट ले लिया जाता है। इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें करना बेवकूफी होगी। यहां तक आंगनबाड़ी केंद्र पर संचालित होने वाले तमाम गतिविधियों में बहनों के मानदेय का पैसा खर्च हो जा रहा है लेकिन सरकार सिर्फ योजनाएं बनाती है और योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा तक नहीं देती। आज तक एक बोतल पानी बगैर
पैसे के नहीं मिलता है तो बगैर पैसे खर्च किए हुए कैसे कोई योजना पूरा हो सकता है। केंद्र पर होने वाले हर गतिविधि में पैसा खर्च होता है, जैसे रंगोली, सजावट, सब्जी, फल, फूल, रेसिपी, इन सबका जो प्रदर्शन होता है, पोषक तत्व के प्रदर्शन होते हैं, उसका भी होने वाला पैसा बहनों की जेब से जो है यहाँ पर खर्चा होता है। अब ऐसे में आप देख सकते हो केंद्र के संचालन पर रजिस्टर, पेन, फोटोकॉपी, दर्जी और यहाँ पर सॉरी दरी, कुर्सी, मेज, खिलौने, बच्चों को रोज केंद्र पर कुछ ना कुछ वितरण कर जो है करना पड़ता है। इन सब का वे भी बहने मानदेय से ही पैसे से करती हैं, इस उम्मीद पर कि कभी ना कभी उनके अच्छे दिन आएंगे। और इस तरह से अमित बख्शी भाई सिद्धार्थनगर से आते हैं और मासी से, तो आप देख रहे हैं उनके स्तर से कुछ बातें आपके सामने रखी गई हैं कि आप इन बातों से सहमत हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना। वहीं पर चलते हैं आगे और आपको बताते हैं यहाँ पर यूपी में कुछ बहनें रह गई थी जिनके मानदेय की स्थिति बहन ने कल शाम देर रात भेजी है। जैसे कि बहन संगीता तोमर आगरा से आती है, 1500 रुपया इनका भी खेरागढ़ वगैरह में आ गया। और मालती मिश्रा बहने बांदा से आती है, 1500 इनका भी कल आ गया। और ऐसे ही एक ये बहन है जिनका नाम है सरला और ये बाराबंकी से आती है, 1500 इनका भी आ गया। वहीं पर एक ये बहन है जिनका नाम है माया और ये आती हैं हरदोई से, इनके यहां पर इनका 1000 रुपया प्लस 1500 रुपया इतना रुपया 21 तारीख को 2 बजे आया है, आप देख सकते हो। इस तरह से उन्होंने कल शाम को मुझे मैसेज किया। अब ऐसे ही कि बहने प्रतिभा कानपुर नगर से, जिनके वहां पर 500 का एक मैसेज 21 तारीख का और 1000 का मैसेज 21 तारीख का और 1500 का मैसेज 21 तारीख का, तो इनके वहां पर 1500, 1000 प्लस 500 जो इस तरह से पैसे आए हैं। वहीं पर एक ये बहन है निशा देवी जो कि कौशाम्बी से, इनके यहां पर आप देखिएगा 21 सितंबर को 1250 रुपया ये पैसा इनके वहां पर आया है। वहीं पर आगे चलते हैं और आपको सूरजकली बहन है रायबरेली से, इनके वहां पर 1500 का एक मैसेज आया है कल 21 तारीख को, एक 500 का मैसेज आया है 21 तारीख को, तो इस हिसाब से उनके पैसे देखने को मिले। अनीता बस्ती बहन है हरदोई से और इनके वहां पर जो है बरामन मंगरा ब्लॉक में, उनके वहां पर जो है ये 500 रुपया आया, इस तरह से उन्होंने जो है कहा है भैया जी 1500 से 1:40 पर, इस तरह से उन्होंने 1500 शायद लिखना चाहती होंगी या इन्होंने जो भी लिखा है कुछ मुझे लगता है कि सही नहीं लिख पाई है। फिलहाल के लिए टाइम और जो है पैसे वो कुछ क्लियर नहीं है। आगे देखो यहाँ पर गुड नाइट जो है यहाँ पर ये ज्ञानमती साहू रायबरेली से, 1500 रुपया इनका भी आया है। और आगे बात करते हैं ये जैसे कि एक ये बहन है जिनका नाम है हेमा जो कि मथुरा से आती है और इनके वहां पर भी जो पैसा है वो 1500 आ गया है, उन्होंने भी अपने वहां से भेजा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक ये बहन है गायत्री साहू मऊ से आती है, 1500 रुपया इनका भी आ गया है। और इनके अलावा जो है यहाँ पर ये एक बहन है जो कि आप देख रहे हैं सोनभद्र से आती हैं और ये रजवंती बहन है और इनके वहां पर भी जो ये 1500 का मैसेज आप देख सकते हैं कि आ गया है। इनके अलावा ये एक बहन है सरला रानी बिजनौर से आती हैं और वहां से उन्होंने राशन वितरण की फोटो भेजी है। ये मालती देवी बहन है फिरोजाबाद से, वहां से उनके द्वारा एक फोटो आई है। ये है अनीता यादव रामपुर से, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। इनके अलावा की है मुन्नी शाहजहांपुर से, वहां से उनके द्वारा फोटो आई है। और ये है किरण लता आजमगढ़ से, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। इनके अलावा ये अनीता है बाराबंकी से, बच्चों को पढ़ा रही है, आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बच्चे अपनी अपनी पुस्तिका ओपन करके जो है कलर वगैरह कर रहे हैं। आगे देख सकते हैं ये है मनोज वर्मा जो कि बिजनौर से आती है और वहां पर राशन की उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। एक ये बहन है गायत्री आजमगढ़ से आती है, वहां से उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाते हुए ये